नमस्कार दोस्तों, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी कि अपने लक्ष्य का पीछा तब तक करना है जब तक कि उसे हासिल ना कर लो। ये शब्द उस इंसान के हैं जिसे हम भारत में एक महान बुद्धिजीवी के रूप में जानते हैं, जिन्हें स्वामी विवेकानंद कहा जाता है। ये वही इंसान है जिन्होंने पहली बार दुनिया को बताया था कि हिंदू धर्म नाम का भी कोई धर्म है जिससे पूरी दुनिया कुछ न कुछ सीख सकती है। यह एक ऐसा धर्म है जो न केवल खुद को महान बताता है बल्कि दुनिया का हर एक धर्म अपने आप में महान है। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो विश्व धर्म महासभा में हिंदू धर्म को एक पहचान दिलाई थी। हालांकि इससे पहले भी हिंदू धर्म को जाना जाता था, लेकिन दुनिया के सामने इतनी स्ट्रॉन्ग छवि हिंदू धर्म की पहले नहीं थी जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसे दिलाई गई। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे इंसान थे जिनसे हर कोई व्यक्ति कुछ न कुछ सीख सकता है। उनके द्वारा कही गई बातें आज भी लोगों के दिलों में ऊर्जा भर देती है। एक तरह से देखा जाए तो वो यंग जनरेशन के लिए आइडल है और वो एक ऐसे ही समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें सभी लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी हो, समाज में रहने वाला हर एक इंसान एक दूसरे के दुख को समझ सके, समाज में रूढ़िवादी, बाह्य आडंबर, अशिक्षा और भी वो सारी चीजें जो एक सभ्य समाज के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है, उनके लिए समाज में कोई जगह ना हो। इस तरह के समाज की छवि स्वामी विवेकानंद जी के दिमाग में थी। स्वामी जी के ऐसे ही महान विचार और सिद्धांतों की वजह से उन्हें भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक लीडर के रूप में जाना जाता था। उन्होंने कई सारी कंट्रियों में जाकर हिंदू धर्म का प्रचार किया और दुनिया को बताया कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, मानव धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जिस समय पूरी दुनिया के सभी देश अपने धर्म को दूसरे धर्म से बड़ा सिद्ध करने की होड़ में लगे हुए थे, उस समय स्वामी विवेकानंद ही एक ऐसे इंसान थे जो सभी धर्मों को श्रेष्ठ बता रहे थे। इस तरह हम उनके विचारों से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने महान इंसान थे। उनके द्वारा जितने भी काम किए गए वो मानव हित के लिए ही किए गए। वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको कहीं पर भी पढ़ने और सुनने को मिल जाएगा। उनके ऊपर कई सारी बुक्स भी लिखी जा चुकी है और शायद आप भी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मुझसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं और उनसे जुड़ी कुछ स्टोरी को भी देखेंगे जिनसे शायद आप कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, यदि हम स्वामी विवेकानंद जी की शुरुआती जीवन की बात करें तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। वैसे इनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिताजी विश्वनाथ दत्त जो थे वो कोलकाता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इन्हें प्यार से घर में नरेन नाम से पुकारते थे। इनकी माँ जो थी भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकतम समय भगवान की पूजा अर्चना करने में ही जाता था। दोस्तों, बचपन से ही विवेकानंद जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। बुद्धिमान के साथ साथ ये बहुत नटखट भी थे। परिवार का धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण की वजह से नरेंद्र के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की इच्छा जागने लगी थी और बहुत ही छोटी उम्र में चीजों को देखकर इनके दिमाग में कई सारे सवाल उठने लगे थे, जैसे हिंदू मुस्लिम अलग अलग रिलीजन क्यों, अमीरी गरीबी और भी इसी तरह के बहुत सारे सवाल इनके दिमाग में उठते रहते थे। एक बार इन्होंने अपने फादर के ऑफिस में एक टबाको पाइप का बॉक्स देखा जो कि ऑफिस में आने वाले क्लाइंट के लिए रखा गया था। इन्होंने देखा कि हिंदू कास्ट के लिए अलग बॉक्स था और मुसलमान कास्ट के लिए अलग बॉक्स था। नरेंद्र ने दोनों बॉक्स से एक एक पाइप निकाला और पीने लगे। यहाँ देखकर उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने नरेंद्र को बहुत डांटा, लेकिन नरेंद्र ने जवाब दिया कि मुझे तो दोनों पाइपों में कोई अंतर नजर नहीं आता है। नरेंद्र को बचपन में कुश्ती लड़ने, घुड़सवारी करने और तैरने का बहुत शौक था, जिस वजह से इनकी शारीरिक फिटनेस जबरदस्त थी। साथ ही इनकी आवाज जो थी वो बहुत ही मधुर थी, जिसकी वजह से रामकृष्ण परमहंस इनसे बहुत खुश हुए थे। नरेंद्र जब छोटे थे तब उनको दो तरह के सपने आए। पहला सपना था एक बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसके पास अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी और एक अच्छा सा घर था, साथ ही पूरी फैमिली और रिश्तेदार भी खुश थे। दूसरा सपना जो था उसमें एक मॉन्क है जिसके पास ना तो घर है ना ही नौकरी, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। उन्हें पैसा, नौकरी और भी वो सारी चीजें जो सुख सुविधा देने वाली होती है वो उन्हें खुशी नहीं देती है। केवल उनकी एक इच्छा होती है, वो है भगवान को जानने की और उनसे मिलने की। नरेंद्र ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि वो इन दोनों में से कुछ भी बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने इसके बारे में अच्छे से सोचा और काफी देर सोचने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें एक मॉन्की बनना है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नई चीज इन्वेंट हो रही है। केवल उनका एक ही लक्ष्य था और वो था भगवान से मिलने का। इसलिए अब उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उन्हें भगवान से मिलवा सके और इस टाइम पर इनकी मुलाकात होती है रामकृष्ण परमहंस से। नरेंद्र अपने मित्र सुरेंद्र नाथ के यहाँ एक उत्सव में गए हुए होते हैं
वहीं पर रामकृष्ण परमहंस भी उपस्थित थे। यहाँ पर नरेंद्र ने एक छोटा सा धार्मिक पद गाया, जिसे सुनकर रामकृष्ण मोहक हो गए। रामकृष्ण ने नरेंद्र से दक्षिणेश्वर में आकर मिलने को कहा और एक दिन नरेंद्र दक्षिणेश्वर जा पहुंचे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो मानो उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। नरेंद्र को देखकर परमहंस को ऐसा लग रहा था कि उन्हें जिस स्टूडेंट की जरूरत थी वो शायद आज उन्हें मिल गया है। उन्हें नरेंद्र के अंदर एक अलग इंसान की छवि दिखाई दे रही थी, लेकिन ये सब देखकर नरेंद्र को थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि उनके अंदर रामकृष्ण को लेकर एक अलग प्रकार की छवि बनी हुई थी। इसलिए उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पीछे छुड़ाने के लिए एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या तुम कभी भगवान से मिले हो? रामकृष्ण परमहंस का जवाब था, हाँ बिल्कुल, मैं भगवान से मिला हूँ। और नरेंद्र तो ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो उन्हें भगवान से मिला सके, इसलिए उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को ही अपना गुरु बना लिया और बाद में जाकर नरेंद्र रामकृष्ण के परम शिष्य बने। परमहंस की मृत्यु हो जाने के बाद गुरुकुल की पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र के ऊपर ही आ गई थी, क्योंकि सारे मोंक अब बेघर हो गए थे। इसलिए अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नरेंद्र के ऊपर आ गई थी कि वो छोटे मोंक को पढ़ाए और उनकी देखभाल करे। अब क्योंकि नरेंद्र अपने घर में सबसे बड़े होने की वजह से उनके ऊपर अपने घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए वो दिन में अपने घर पर रहते थे और रात में गुरुकुल में मोंक को पढ़ाते थे। वो मोंक को हर तरह की शिक्षा देते थे, उन्हें कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान के बारे में भी बताते थे। लगभग 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुए वस्त्र धारण कर लिए थे और एक हाथ में डंडा और एक हाथ में कटोरा लेकर पैदल ही पूरे भारत भ्रमण के लिए निकल गए थे। इस तरह उन्होंने भारत के हर राज्य में भ्रमण किया। नरेंद्र जिस भी जगह जाते थे लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे। जब नरेंद्र दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तब उन्हें समाचार मिला कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला है। दक्षिण भारत के लोग चाहते थे कि स्वामी जी वहाँ हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में जाए। उन लोगों ने पर्याप्त धन भी इकट्ठा किया पर स्वामी जी ने जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद स्वामी जी कन्याकुमारी में जा पहुंचे और वहां जाकर गहन समाधि में लीन हो गए। इसी वक्त इन्हें रियलाइज हुआ कि वह दूसरे देशों की यात्रा करके भारत के गौरव को और बढ़ा सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। इसलिए स्वामी जी ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाने का निश्चय किया, लेकिन उनके पास विश्व धर्म सम्मेलन में जाने का कोई निमंत्रण नहीं था। फिर भी वह अपनी बात इस सभा में रखना चाहते थे और इस तरह स्वामी जी शिकागो के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन शिकागो तक पहुंचने का इनका मार्ग इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ना तो इनके पास कोई पैसा था ना ही इनकी इस धर्म सम्मेलन में कोई पहचान थी। बिना पहचान पत्र के इस सभा में एंट्री मिलना इम्पॉसिबल था। जैसे तैसे इन्होंने इन सभी चीजों को मैनेज किया और ये जा पहुंचे शिकागो विश्व धर्म महासभा में। लेकिन यहाँ पर भी स्वामी जी की समस्या कम होने वाली नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर स्वामी जी एक अननोन पर्सन थे जिन्हें शायद कोई नहीं जानता था और ना ही इंडिया की विश्व के सामने इतनी बड़ी छवि थी कि जो इन्हें सम्मान दिला सके। इसलिए इस सम्मेलन में इन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा था। लेकिन स्वामी जी की बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इन्हें आखिरी में 2 मिनट का टाइम दिया गया इस सम्मेलन में बोलने के लिए और स्वामी जी ने अपना भाषण देना आरंभ किया। इनके भाषण की शुरुआती लाइन कुछ इस तरह थी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उनके इसी वाक्य ने सभा में मौजूद लगभग सभी लोगों का दिल जीत लिया था। कहा जाता है कि स्वामी जी के लिए कई मिनटों तक ताली बजती रही, जिसके बाद स्वामी जी ने कई घंटों तक भाषण दिया। स्वामी जी के यही वह शब्द थे जिनकी वजह से उन्हें दुनिया के सामने एक पहचान मिली थी, जिसके बाद तो स्वामी जी शिकागो ही नहीं बल्कि पूरी अमेरिका में छा गए थे। 17 दिनों तक चलने वाले इस विश्व धर्म सभा में स्वामी जी ने 10 से 12 बार अपना भाषण दिया। अमेरिका के कई समाचार पत्रों ने उनकी प्रशंसा की, लोग वहां पर उन्हें अपना आइडल मानने लगे थे। इसके बाद स्वामी जी अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहे थे बल्कि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और चाइना, हर जगह उन्होंने अपने भाषण दिए। स्वामी जी जिस भी जगह जाते वहां पर उनके कई प्रशंसक बन जाते थे। इसी तरह उन्होंने कई सालों तक ऐसे ही धर्म का प्रचार किया। कठिन परिश्रम और विश्राम की कमी के कारण स्वामी जी का शरीर निरंतर क्षीण होता जा रहा था। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की उम्र में स्वामी जी ने अपना देह को त्याग दिया। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का जीवन कुछ इस तरह का था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।